कहाँ जाओगी बहू रानी? आ जाओ। थैंक्स बहन, यहां से जाने के लिए कोई रास्ता है? भैया, अपने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो भैया। अपने लोग? हाँ भैया, चलो भैया। अभी कमिया कमिंग कमिंग क्या है? व्हाट डैड? देख, तेरे लिए लड़की देखी है। कैसी है लड़की? क्या डैड, इस लड़की जैसी बहुत सी लड़कियां हैं। अभी ओल्ड फोटोज के पीछे पड़े हुए हैं। ओके बाबा, सी दिस गर्ल, इस लड़की का नाम निम्मी है, मेरे क्लोज फ्रेंड मिस्टर कपूर की। शादी करनी है ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, यही रहूंगा ना, बाद में आपकी पसंद से शादी करूंगा। प्लीज डैड, मुझे जाना है, समझ जब जाना है। ओके बाय, मेरे फ्रेंड मेरी बात कर रहा है। बाय 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 बाय। उसकी पसंद मैं जानती हूं जी, उसे फॉरेन की लड़कियां पसंद नहीं है। मेरी बात सुनिए, उसकी फोटो शादी.com में रजिस्टर करवाइए, कोई ना कोई हिंदुस्तानी लड़की मिल ही जाएगी। तुमसे कितनी बार कहा है, इंडिया का नाम मत लो। मेरी बात मानिए, पुरानी बातें भूल जाइए ना। पार्वती, डोंट रिपीट इट अगेन। इंडिया से हमारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। यहाँ की हिंदुस्तानी लड़की ही हमारे बेटे की पत्नी बनेगी। किसी भी सूरत में इंडिया से आने वाली लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी, अंडरस्टैंड? अरे देख कर चलो ना। सारी गलती हो गई, चादर ले आती तो अच्छा होता। हदिया नहीं चाहिए, इस बदमाश ने मना कर अरे, दिया। अरे क्या ठंडी लग रही है यार। और आगे आगे देखो होता है क्या। यही चे क्या लंदा? यही है। क्यों तू यहाँ क्यों थूक रहे हो? इसलिए क्या, व्यापार के बहाने आकर अंग्रेज लोग अपने देश को लूट कर ले गए। अगर मैं नहीं थूकूंगा तो भारत माता का अपमान होगा। ये इंडिया वापस नहीं जाएगा, मुझे डाउट है। हेलो अभिराम भैया, इट्स मी मैन संजय। Hey, संजय, तुम विकीज के पास वेट करने वाला था ना? सॉरी यार, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आ सका। मेरा एक हेल्प करो ना यार, आज इंडिया से एक पार्टी आ रही है। इंडियन पार्टी? यू आर राइट, अब तक वो लोग एयरपोर्ट आ चुके होंगे, तुम्हें उन्हें रिसीव करके होटल ले जाना होगा। प्लीज यार, उन्हें पहचानो कैसे? दे हैव थम्स अप लोगोस ऑन देयर ड्रेस। थम्स अप लोगो? अरे बाबा, ये होटल तो अच्छा है रे, मिस्टर पावड़ा बाबा। थैंक यू मैम। मिस्टर अभिराम, सबको एक एक रूम दूंगा तो मेरा बजट बैठ जाएगा, इसलिए एक रूम में दो दो लोगों को भर्ती करा लो। ओके ओके, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। ऑल मात्रास एंड ऊकी मात्रास, हियर इज योर रूम कीज, दिस इज फॉर तकदीर वाली हो तो पहले मुझे ही देना। मल्लेश यादव जी, हाँ दे दो दे दो दे दो। तुम मल्लेश के साथ जाओ, जाओ जाओ, कृपा कर गए। ओके राइट, इसके साथ जाओ 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 जाओ। दिस इज फॉर काशियन गैंग। ओके तुम जाओ जाओ जाओ, दोनों जाओ। दिस इज फॉर यू रावल, दैट्स इट। ओके एवरीबॉडी इज, हां ठीक है। ओके ओके एवरीबॉडी। ये क्या बेटा, तभी चले जा रहे हैं, हमें रूम कब मिलेगा? आप बिल्कुल मत डरिए, आप दोनों को मैं स्पेशली रख लूंगा। अरे रख लूंगा नहीं बेटा, देख लूंगा। ओके दैट्स व्हाट आई मीन, उन सब लोगों के लिए मैंने ऑर्डिनरी रूम बुक किया, आप लोग बहुत तकदीर वाले हैं इसलिए स्पेशली रूम ग्राउंड फ्लोर में बुक किया है। वहां घुसना और कूदना बहुत इजी रहेगा। व्हाट, घुसने के लिए कूदने के लिए? आने जाने की बात कर रहा है बेटी। चलो थैंक यू, आप दोनों को ढकेल देते हैं। ढकेलता हूँ नहीं बेटा, रख लेता हूँ कहो। थोड़ी देर पहले रख लूंगा बोला तो गलत कहा। हेलो, रख के आऊंगा नहीं कहते, छोड़ के आऊंगा कहते। किस दो, ये मेरी रूम की है। ओके कोई बात नहीं, तुम्हारे रूम में रह लूंगा। ये लो पकड़ो। थैंक यू, ठीक है मेरे रूम की की दो। टू वीक्स, वी हैव अ गुड टाइम मैन, गुड टाइम। या देखो ना दादी माँ, वो सबको जानबूझकर कर रहा है। तो ठीक है, इनमें से एक उंगली पकड़ो। लड़का अच्छा है बेटी। Oh,
मैं तो साफ हो गया, अब बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा। मजा आ गया। मैं भी नहा कर आता हूँ। लेकिन बाथरूम में सूटकेस लेके क्यों जा रहे हो? हाँ, सूटकेस को भी शैंपू से नहला देता हूँ। क्या यार, ये तो पागल लगता है। Yes, come in. Hello, housekeeping. Housekeeping for me? Yeah, housekeeping. अरे यूरोप ट्रिप को मैं क्या समझ रहा था? अरे यहाँ फोकट के रूम के साथ ऐसी गोरी मेम के साथ मजा उड़ाने का मौका मिलेगा। आजा मेरी जान। अरे आजा मेरी जान। अरे आजा मेरी जान। अरे आजा मेरी जान। Housekeeping मेरे लिए। अरे हाउसकीपिंग का मतलब है होटल के रूम की सफाई करने वाले। तेरी सफाई करने वाले नहीं, तू ऐसा करेगा तो हम सब साफ हो जाएंगे। अरे बाबा बहुत जोर से लगा। अरे कुटे बसु बाबा, कुटे बसु। अरे इधर भी कुर्सी, उधर भी कुर्सी, किधर जाऊं रे बाबा? इधर देखता हूँ जरा। अरे इधर, अरे मल्लेश बाबू, मल्लेश बाबू। क्या है यार, क्या हुआ? ये क्या है रे बाबा, जोर से लगी है। मैं किधर बैठू, हर जगह कुर्सी नजर आ रही है। हाँ किधर बैठू? अरे ये तो है ना यार, यहाँ बैठ जा। फिर ये कह रहे बाबा? अबे गोरे लोग यहाँ बैठकर मुंह में सिगार लेकर आइडिया के लिए सोचते रहते हैं। अनि ये कागज का साला रे? अरे अचानक आइडिया आया समझो, पेपर खींच कर फटफट फटफट लिखते चले जाते हैं। अरे तो मेरे जैसा गांव का आदमी क्या समझेगा रे? पानी नहीं आया तो पूछने के काम आएगा। आदमी है कि पजामा इस गांव के लोग। कुछ ऐसे समझा था यार इंडियन लड़की के बारे में, शी इज रियली हॉट मैन, रेड हॉट चिक। क्यों कोई आया नहीं क्या? अरे थूमी फास्टो, व्हाट अ फैंटास्टिक टाइम सिंस यार। हेलो, कैसे? मैं स्कूल डे से ऐसे ही हूँ। मैं ऐसे स्कूल में कदम रखती थी और पीएन मुझे देखकर स्कूल बेल बजा रहा था। रियली? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तारीफ बाद में करना, जाकर सबको बुलाओ। लेजी फेलोज। समझ गई ना मैं कौन हूँ? बाय द वे, रिवर टेम्स कहाँ है जानती हो? टेम्स नदी कहाँ है ना? वहाँ लेफ्ट में है। हाँ तो वहाँ जाकर वॉच निकल कर डाल। ए तुम्हें, तुम्हें। इडियट। वहाँ जाकर बैठो। मुझे पता है, तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं? ओके मूव। बाप रे। अरे अरे देखो देखो, सूटकेस को भी लगा तो नहीं? अरे श्रीमान, ये सूटकेस होटल में रख के आना चाहिए था ना। चोरों का डर है भाई, मुझे ही इसकी हिफाजत करनी है ना भाई? अरे अभिराम भाई, आसपास क्या है जरा कॉमेडी करके दिखा। ओके, वहाँ जाओगे तो कैथलिक चर्च आएगा, यहाँ जाओगे तो आईफिल टावर, और पीछे जाएंगे और तो? पीछे जाओगे तो हैदराबाद का टर्मिनल गेट आएगा। ओके सुनो भीमराव, कैसा लग रहा फेरी? ये कैसा ना रे बाबा, एक बैलगाड़ी वहाँ नहीं चलता। मेरा गांव में ऐसा नहीं रहता। पहले डोंगर के बीच से नाव में बैठकर जाने का मजा ही कुछ और है। इसलिए कहते हैं विदेश के पहाड़ मुलायम होते हैं। सिर्फ मुलायम ही नहीं, बहुत सुंदर दिखते हैं। अबे तू कौन सी पहाड़ की बात कर रहा? अरे सुनो लती, मेरा भी फोटो निकालो जरा। क्या यार, जो कुछ निकली बोल रही है, क्या है? रुको ये देखो। अरे अरे सारे फोटो गिर गए। क्या मेरी उमा के फोटो दिखाई नहीं देते? यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा? वो फोटो चाहिए बेटा, उमा के नामकरण का फोटो है, स्कूल का फोटो है, बचपन का लंगोट का फोटो भी नहीं मिल रहा है। जरा ढूंढो ना बेटा। क्यों दादी माँ, क्या हुआ? मेरे बचपन की लंगोट वाली फोटो गुम हो गई। अच्छा हुआ। डियर फ्रेंड्स, मिस उमा का लंगोट खो गया। लंगोट नहीं बेटा, फोटो। हाँ वही, वो फोटो आपको मिल जाए तो प्लीज प्लीज मिस उमा को मत दीजिएगा। दादी माँ, मुझे शक है कि फोटो इसी ने लिया होगा। हाँ क्या? अच्छा इनमें से एक उंगली पकड़ो। अच्छा लड़का है उमा। फिर कभी उंगली दिखाओगी तो काट डालूंगी। What do you want to do after lunch? Should we go back to the hotel? Sounds good. Let's go back. By the way, अरे यार, यहाँ थाली का सिस्टम क्यों नहीं है? All मात्रास and ऊ की मात्रास, जिसे जो चाहिए बेशर्मों की तरह खाते रहिए। तुम किसे बेशर्म कह रहे हो? बेशर्म का लंगोट तो नहीं? ए, लंगोट के बारे में बात मत करो, सब कुछ तुम्हारी वजह से। ए भाऊ, तू अपना झगड़ा छोड़, मेरे को जोर से भूख लगी है, कुछ जेवर मंगा। वड़ा पाव, मिसल पाव, कुछ भी चलेगा रे। अबे गोंचू,
ये फॉरेन है, यहाँ तेरे पसंद का कुछ भी नहीं मिलेगा। वड़ा पाव उसल पाव नहीं मिलने वाला है, जो मिल जाए उसे खा लो। मिस्टर अभिराम, तुझे मेरे बजट का मालूम है ना, अब तुम ही ऑर्डर कर। अबे कहीं भी बजट की बात कर ले, लेकिन खाने में किया ना तो हड्डी तोड़कर खा जाऊंगा मैं। सबसे महंगी चीज चाहिए मुझे। ओके ओके। अरे ये पागल है, रास्ते में छूट जाता तो अच्छा रहता, यहाँ कर बिल बढ़ा रहा है। तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो ना। जरूरत नहीं, मैं खुद ऑर्डर दे दूंगी। दे दीजिए। I think I'll have roasted turkey. Roasted turkey? Are you sure you want roasted turkey? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ? मुझे पता है, okay? मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ, शहर में पढ़ी लिखी हूँ। जाकर ऑर्डर करो। इतना पैसा कमा के क्या फायदा रे, दिमाग नहीं अंग्रेजों को, सूखा पाव खाकर जी रहे हैं। अपने गांव में सरकारी हॉस्पिटल में बीमार आदमी भी नहीं खाता। मेरे को कोई बीमारी नहीं है, गैस प्रॉब्लम छोड़कर। ये क्या है यार, चिल्ली चिकन लाने को कहा तो सेवैया लेकर आ गए। चिकन को चिल्ली लग गया है, उसे साफ कर रहे हैं, तब तक इसे खत्म करो। बेटा धुल पेट आओगे ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये लो बेटी, नंगी मुर्गी। रोस्टेड टर्की बहुत मजेदार है। ओके ओके, खा लो। उमा, डाइटिंग करके स्लिम होने वाली लड़कियों को मैं किस करूंगा, तुम्हें कोई ऐतराज है? मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो जल्दी से डाइटिंग करके स्लिम हो जाओ ना। अरे मुर्गी उड़ गई यार। और ये रख के खा रही है। अरे सर पे मुर्गी का ताज लगा हुआ है, व्हाट अ नाइस डक यार। अरे यार परेश रावल, रिफिल टावर यही है क्या? ये रिफिल नहीं, ये बॉल पॉइंट भी नहीं, ये आईफिल टावर है। ऐसा क्या? अबे सीधा खड़ा हो। अबे गोचू इतना टेढ़ा मत हो, वरना तेरी कमर की हड्डी टूट जाएगी और तू इस टावर को नहीं देख पाएगा। इसे तू इतनी दूर से खड़ा होकर के देख। अबे दूर से देखना तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? अपने गांव से नहीं देख लेता क्या? इतना खर्च करके आने की क्या जरूरत है बोल? अरे तूने कितना खर्चा किया मेरे बाप? अबे वेड़ा हो गया है क्या? 9 रुपए खर्च करके थम्स अप नहीं पिया क्या? 9 रुपए फुकट में आते हैं और क्या। दादी माँ, ये आईफिल टावर है, 1889 में आईफिल नाम के आदमी ने बनवाया था क्या? हाँ दादी माँ, इस 120 मीटर की जगह पर 300 मीटर की ऊंची टावर को खड़ा करना चमत्कार है, ऐसा उस गाइड ने कहा। वो लड़का थोड़ा शरारती है, लेकिन कोई बात नहीं, सब जगह हमें घुमा रहा है ना। सुनो दादी माँ, मैंने ऐसा कहा उस लड़के से बिल्कुल मत कहना, ओवर हो जाएगा। बिल्कुल ओवर नहीं होगा बेटी। एनी प्रॉब्लम? ए, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। जब से आई हूँ देख रही हूँ, किसी न किसी बहाने टच करने की कोशिश करो। मेरे मुंह नहीं लगना, गाइड हो गाइड की तरह रहो। तुम्हें सब पता है ना, इस आईफिल टावर में कितने नट बोल्ट लगे हैं बताओ जरा। क्यों, खरीदोगी क्या? हाँ, खरीदूंगी, but I have no change. Yes, there is no change at all. मेरे बचपन की आईफिल टावर अब तक no change. तेरे बचपन की ताजमहल अब तक no change. लेकिन तुम्हारे बचपन की फोटो में और तुम में बहुत सारा चेंज है। मेरे फोटो के बारे में कुछ ना तो जान समा डालूंगी। हाँ, take it easy. क्या समझते हो? मूव, कौन मूव चाहिए? ये लो। क्यों मजा कर रही हो? नहीं सीरियसली, लगा लो बच्चू। हाँ तो कमर पे लगा लो, घुटने का दर्द कम हो जाएगा। ए, अच्छी बात है। कल नंदन बोला था, आज पेरिस बोल रहे हो, शोलापुर कब आएगा? कमन कमन, मैं ही यहाँ के लोगों को दिखाता हूँ, चलो। अरे इधर क्या दिखाएगा मुझे? अभिराम, ये क्या हैदराबाद के ब्रिज की तरह टेढ़ा हो गया? इसे बनाने वाले अपने लोग हैं क्या? नो मिस्टर यादव, दिस इज वन ऑफ द 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ा हिस्ट्री है, 12th सेंचुरी में बनाया गया है। कम ऑन कम ऑन। हिस्ट्री मतलब क्या? साइंस। यस यस श्योर, आई विल कम एंड मीट यू देयर। ओके बाय। अभी आया है क्या? नहीं आया। नहीं आया, टू मच। एक दिन में आने वाला था, एक हफ्ता हो गया, एटलीस्ट मैसेज तो भेजना चाहिए था। उसका क्लोज फ्रेंड, क्या नाम है उसका? संजय। हाँ संजय, उसका नंबर क्या है? अभी के नंबर पे ही फोन कीजिए ना। किया था, मेरा नंबर देखते ही कट कर रहा है। अगर संजय को पकड़ूंगा तो अभी का पता चल जाएगा। तुम जल्दी नंबर बताओ। How much? No, no, this is not for sale. There is a painting competition and this is the winner's prize. क्या बेटी, क्या कह रहा है ये? ये बेचेंगे नहीं दादी माँ, पेंटिंग में जीतने वाले को मिलेगा। हाँ हाँ, बहुत प्यारा है। Please give it to me now. I'm sorry, this is not for sale. Please, I want it.
कोई बात नहीं। कितनी खूबसूरत है यहाँ की इमारतें। मुझे अर्जेंट है यार। ये क्या, ये नहीं होगा, मेरे बजट में नहीं हो सकता। कैसे आदमी हो यार तुम, पानी पूछने पर बजट कहते हो, पैसा पाने पर बजट कहते हो, कहते रहे तेरे साथ। सुनो, अगर अपने देश में करोगे तो वहाँ फ्री है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कैश देना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ, सब पेशाब करना बंद कर दे क्या? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जब तक रूम में रहा करो खूब पेशाब कर लिया करो, बाहर आने के बाद बंद। अरे मुझे जोर से लगी यार, कृपा करन तुम जाओ। करने दो, मेरा क्या, पुलिस आएगी तो उसे ही पकड़ेगी। पुलिस आएगी तो तेरा इनाम बताऊंगा, तुम ही हो हमारे। अरे अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। सुनो उमा, तुम्हें टेडी बियर बहुत पसंद है ना, इसलिए अपने विराम ने मस्त ड्राइंग निकाल के उसे जीत लिया है। उसने किसका ड्राइंग किया पता है? तेरा ड्राइंग। क्यों का? लगमोट वाला। लोग बड़े खुश होकर दिख रहे हैं। Wow, that's really good. क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? लड़की की तस्वीर बनाकर प्राइस पा लिया तो हीरो समझ रहे हो? लंदन में पल्ले से कुछ नहीं होता है, लड़कियों से बिहेव करना आना चाहिए, शरारत की भी हद होती है। असल में तुम मछली की तरह प्यार कर रहे हैं दोनों, देखो। अरे यार, मुंह नहीं चाट रहे हैं, वो तो चुम्मा ले रहे हैं। अरे मैं तो शादी के 2 साल बाद तक अपने बाइकों को घूंघट में ही देखा, और तुम परेश भाऊ, तेरी पत्नी कैसी दिखती है बता, चुम्मा लिया हो कि नहीं याद करके बताऊंगा। अरे क्या यार, मजाक किया तो तुम भड़क गए। डियर फ्रेंड्स, और 10 मिनट में स्टेशन आ जाएगी। आ जाएगा नहीं, आ जाएगी बोलिए। अरे चलो चलो चलो, अरे आओ ना। अरे दादी माँ, अरे अरे, हाँ, उमा, उमा, दादी माँ, अरे कोई देख तो रुका, अरे सुन गई, अरे कोई देख तो रुका भैया, दादी माँ, अरे सुन गई, ये कोई बातें क्या कर रहे हो तू, ये नहीं से कैसे रोक सकते, उसके पहले उसे जाना चाहिए था, दादी माँ, हेलो, तुम भी ट्रेन से नहीं उतर पाए क्या? मैं भी ट्रेन से उतर नहीं पाया, तुम्हारी सुपर ट्रेन से सबको पता है, तुम देरी से उतरोगी सोचकर मैं भी यहीं रह गया। चलो चलते मैंने हैं। कुछ देरी नहीं की, जाकर बैठो, नेक्स्ट स्टेशन पर उतरते हैं, कम ऑन गो। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? कौन देख रहा है? तुम मुझे अलग नजर से देख रहे हो। अलग नजर से देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? तुमने कुछ अलग ढंग से देखा ना? अलग ढंग का मतलब? मैं सब जानती हूँ, इस नजर का मतलब क्या होता है, सभी लड़के लड़कियों को ऐसे ही देखते हैं। अरे मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था, ये देखो शर्ट ठीक कर रहा था, और फिर तुम ये कह रही हो। ऐसी बात नहीं, तुम तो, मुझे तो लगता है कि दिल ही दिल में तुम मेरे बारे में कुछ कुछ सोच रहे हो। यहाँ बैठकर तुम्हें देखना भी गलत हो गया क्या? आखिर देखना गुनाह है क्या? देखना गुनाह नहीं है? लेकिन ऐसी नजर से देखना। कैसी नजर से? तुम अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हो, मैं जानती हूँ जब से तुम आए हो। तुम, मैं आया हूँ बैठा हूँ बस, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ पूछ सकते थे ना, मारने की क्या जरूरत है?
ये मार है क्या? ये मार नहीं है। ये मार है क्या? तो फिर क्यों मार है क्या? नहीं नहीं उमा 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 क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्या व्हाट्स रॉन्ग विद यू उमा 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 मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो तुमने मुझे मारो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा अब देखो मैं क्या करता तुम्हारे साथ देखो this is a game played in India okay yeah yeah this is the game husband and wife game oh it's a game this is interesting let's play it this sounds like shall we play it good very good oh god देखो स्टेशन आ गया गलत किसी की मदद करना गलत है पैर पे चोट लगने के बावजूद भी तुम्हारी मदद की वो मेरी गलती है स्टेशन आ गया सॉरी मैं चलता हूँ I'm sorry. No, I'm sorry. No, no, I'm sorry. नहीं नहीं मैं ही तुम्हें सॉरी कहूँगा नहीं सॉरी राम नहीं नहीं वो अनजाने में आई थिंक आई स्पोक टू मच मेरी वजह से सब कुछ हुआ है नहीं उमा आई शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक मैं बहुत बड़ी बेवकूफ लड़की हूँ यस ये बात सही है तुम सचमुच एक फैट फूल हो ओके चलो मैं जाकर ट्रेन की टाइमिंग देख के आता तुम बैठो बहुत ठंड लग रही है ओह गॉड बैठ जाओ हे अभिराम संजय इंडिया से आई हुई इस तमजा वाली लड़की ने तुमसे आई लव यू कह दिया क्या तुम हिंदी से अनजान बनकर उन्हें बहुत सता रहे हो ना बाय द वे परसों तुम्हारे डैडी ने फोन करके तुम्हारे बारे में पूछा आई टोल्ड हिम द ट्रूथ यार तुम उस लड़की को पटाने के लिए गाइड बनके घूम रहे हो मैंने बता दिया कि वो लड़की तुमसे आई लव यू कहेगी तो ओके इफ नॉट देन गुड बाय करके आ जाना दिस इज टू मच अभी तुम ओके कहोगे तो ब्यूटीफुल लड़कियां तुम्हारे आगे खड़ी हो जाएंगी हेलो अभी से समथिंग अभी उमा 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 Excuse me, by any chance did you see any Indian girl? Beautiful girl with long hair? No. No. Sorry. Which beautiful girl ka? Excuse me, did you see any Indian girl? She had teddy bear with her? Hey guys! Leave me. Hey you, just do us a favor and get lost from here, man. Having fun, huh? Hey, get out of here before you get your ass mad, man. Now take your big bloody knife and shove it up your ass. We got a train to catch.
भाई परेश रावत, मेरी पोती कब आएगी? एक रुपया आओ तो दो, फोन करके पता करता हूँ। क्यों, तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं तो मैं क्या करूँ, आपकी पोती को ट्रेन में रुकने के लिए मैंने कहा था। ए, क्या क्यों चिल्ला रहे हो? श्रीमान जी, इनकी पोती नहीं मिल रही है तो इस सवेरे से मेरा दिमाग खराब है। चुप रहो, आवाज मत करो। वो लड़की गायब हो गई क्योंकि एड्रेस नहीं पता है। ये अभिराम कहाँ गायब हो गया? और कहाँ गया होगा? अरे चुम्मा चाटी करने कोपचे में गया होगा। अरे फुल टेंशन में अभिराम के बारे में कुछ गलत कहा तो तेरी हथेली निकाल कर गले में पहना दूंगा। तेरी तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। वो मेरा पैर है क्या? नहीं, इसका पैर मैं तेरा समझाता। अबे उधर देख, इतनी हिफाजत से लेकर आ रहा है लड़की को। बेटी उमा, दादी माँ, कैसी है तू? अरे मैं कितनी डर गई थी। ये तो कमाल हो गया। अरे भाई अब जाके टेंशन दूर हुआ। अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। हेलो सब लोग सुनिए, आज हमारा यहाँ का टूर पूरा हुआ और हम लोग कल लंदन जाने वाले हैं। कल शाम की फ्लाइट हम लोगों की है। हम लोग एयर इंडिया की फ्लाइट से इंडिया पहुँचने वाले हैं। यही प्रोग्राम है। अब आप लोग मुझे टेंशन मत दीजिए और ना टेंशन लीजिए। दैट इज माय रिक्वेस्ट। डियर फ्रेंड्स, फॉर ऑल द गुड टाइम्स वी हैड टुगेदर, कल दोपहर मेरे घर में सबको पार्टी दे रहा हूं। दादी माँ, क्या बेटी? बेटा, इंडिया जाने के बाद अगर तुमसे बात करनी हो तो इसमें मेरा पर्सनल फोन नंबर है। अगर मैं घर में ना हूँ तो आंसरिंग मशीन है, उसमें आप मैसेज छोड़ेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके हाय, दिस इज अभिराम हियर, प्लीज लीव योर नंबर एंड मैसेज आफ्टर द बीप। टाइम हो गया है। वन मिनट। हेलो राम, मैं उमा हूं। आई लव यू राम। ये बात तुम्हारे सामने बताने में मुझे शर्म आ रही थी। कहीं अगर मैं बता देती और तुम कहते आई डोंट लव यू, ये सोचकर डर लगता है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती। मैं एक लड़की हूं ना, इसलिए तो मैं आंसर मशीन के जरिए तुमसे प्यार का इजहार कर रही हूँ। तुम एक लड़के हो, तुम अपने प्यार का इजहार कैसे करोगे, इसका इंतजार करती रहूंगी। बाय। किसका फोन था? फ्रेंड का। बॉयफ्रेंड का? कुछ ऐसा ही समझो। ठीक है बेटा। किसका फोन था? अभिराम का। क्या कह रहा था? इंडिया से यूरोप घूमने आए हुए लोगों को अपने घर लंच पे ला रहा है। अच्छा, चलिए चलिए। चलो भाई चलो, पार्टी में देर हो जाएगी यार, जल्दी करो यार। क्या कर रहे हो? अरे दादी माँ जल्दी चलिए, फ्लाइट छूट जाएगी, टाइम हो गया। अरे चलिए भाई, यहाँ चलो। टाइम सोचा था इसके सूटकेस में यूरोप का मैप होगा, इसने तो पूरे यूरोप का माली गायब कर दिया। तेरी शक्ल देखकर मैं समझ गया था श्रीमान, तूने थम्स अप खरीद कर नहीं चुरा कर पिया होगा। ये सब तुम्हारा है, ले लो। इन सब चीजों के पैसे मैंने भर दिए हैं। जानते हो क्यों भरे? ताकि दोबारा ऐसा काम तुम ना करो। इट्स ओके डैडी, ये इंडिया से आए हुए हमारे मेहमान। हाँ सब लोग खड़े हो जाइए, मैं ग्रुप फोटो निकालता हूँ। रेडी स्माइल। हाँ आप सब साइड हो जाइए, ओनली फैमिली। उमा पीछे जाओ, बीच में खड़े हो जाओ तुम। हाँ मस्त फोटो निकालूंगा। हाँ हंसिए सर। हाँ सर, गंगाराम जी आपसे बोल रहा हूँ। रेडी सर? हाँ आप ठीक है? हाँ ओके, चलिए अंदर चलते। आइए चलिए ना, कम अभी कमिया। मम्मी इन्हें जरा देखो, घर बहुत अच्छा है ना बेटी। निमी, ही इज माय सन मिस्टर अभिराम। हाय अभिराम, हाउ आर यू? नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू। शैल आई टेल यू समथिंग? यू आर मोर हैंडसम इन पर्सन देन इन पिक्चर। ओह कम ऑन, यू नो व्हाट, दिस इज सच अ नाइस पार्टी। एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। अरे बाप रे बाप, गोरी मैम साहब एकदम झक्कास लग रही है। आई शपथ
सुनो गोरी मैम साहब, एक बार हाथ मिलाओ ना। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। व्हाट, माइक टेस्टिंग? मेरा नाम बाजीराव, आपका नाम क्या है? मार्गरेट। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रही है? नाम पूछा तो रेट बता रही है, कहीं आइटम तो नहीं? आइटम समझ करके हाथ लगाओगे तो तेरा सिस्टम बिगाड़ देगी। इसका नाम है मार्गरेट। ओहो, मार के गिराएगी क्या? मारेगी नहीं, तोड़ेगी नहीं तुझे ना यार। क्या बुलबुल लगती है यार। आई मल्ले सियादव, हैप्पी न्यू ईयर। अक्टूबर में हैप्पी न्यू ईयर कैसे आ गया गधेराम? हाथ छोड़ने के लिए कह रही है। अरे यार अंग्रेजी नहीं आती, नहीं तो एक गोरी को पटा ले। क्यों दोस्त, मजा आ रहा है ना? अभी चेंज करके आता हूँ। ओके ओके। दादी माँ इसे पकड़ो, मैं अभी आती हूँ। हाय अभिराम, दिस इज मार्गरेट। हेलो राम, मैं उमा। तुम कहते आई डोंट लव यू, ये सोचकर डर लगता है। तुम एक लड़की हो, तुम अपने प्यार का इजहार कैसे करोगे? इसका इंतजार करती रहूं। सॉरी लेट हो गया, 2 हफ्ते घर पे नहीं था। आंसरिंग मशीन ऑन करके रखा हुआ था, सोचा था उसमें एक तो इंपॉर्टेंट कॉल होगा, कुछ भी नहीं था, सब कुछ वेस्ट मैसेज थे। एनीहाउ एंजॉय योरसेल्फ। ओके यू कैरी ऑन। अभी उस लड़की से आई लव यू कहा? अलग अंदाज में कहने वाला हूँ यार। कैसे? हेलीकॉप्टर बुक किया है मैंने, 5 मिनट में आ जाएगा। उसमें आई लव यू उमा का बैनर लगा हुआ है, उसे देखकर उमा फिदा हो जाएगी। ये देख, हाउ इज इट ब्यूटीफुल। वो फिदा हो या ना हो, मगर तेरी आइडिया सुनकर मैं फिदा हो गया। ऑल द बेस्ट। I think you are Miss Uma, correct? जी अंकल। संजय ने मुझे सब कुछ बताया, मेरा अभी और तुम कुछ ही दिनों में बहुत करीब आ गए। वेरी गुड। वहां देखो वो हंसने वाली लड़की, ग्रे कलर का ड्रेस पहनी है, उसका नाम निमी है, इस गंगाराम ठाकुर की होने वाली बहू है। ऑलरेडी मैरिज फिक्स हो गया, सिर्फ मेरे बेटे के फैसले से कुछ नहीं होगा, मेरे पसंद से उसकी शादी होगी। तुम बहुत समझदार लड़की लगती हो, लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई है, या फिर मैं तुम्हें दोबारा। दादी माँ चलो चलते। क्यों, क्या हुआ? मैं पासपोर्ट भूल गई हूँ। चलो। हे पीटर, डोंट वरी अभी, I'll be there in 5 minutes. What? You are coming in 5 minutes? That'll be great. अरे हेलीकॉप्टर आ रहा है। Bye. अभिराम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, एक छोटा प्रॉब्लम आ गया है, पासपोर्ट भूल गई कहकर उमा होटल गई है। अभी तुम एक काम करो, होटल जाकर उमा और दादी माँ को सीधे एयरपोर्ट लेकर के आना, मैं इन सबको लेकर के एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, ठीक है? अरे बाप रे अभिराम, तुम आ गए, तुम्हें गुड बाय किए बिना हम चले जाएंगे, ये सोचकर हम परेशान हो रहे थे। उमा कहाँ है? उमा अभी वो इमिग्रेशन पार करके चली गई। तुम्हें छोड़कर जा रहे तो तकलीफ हो रही है, क्यों बाजीराव? कुछ लोग जुदा होते तो बहुत दुख होता है। होता है बाबा। तुम्हें ही नहीं भैया, तुमसे जुदा होकर हमें भी दुख हो रहा है। तुम दिल में हो अभिराम भैया, हैदराबाद आओगे तो धूल पेट जरूर आना भैया, मल्लेश भाई का नाम बोलो बस, 4 मीनार हाथ में रख दूंगा मैं। बाप रे, फाइनल कॉल आ गया, सब लोग चलिए। अभिराम चलता हूँ यार, थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। अच्छा चलता।
उस रुद्र प्रताप सिंह के आदमी शहर में कहीं नहीं है ताऊ जी। हमने बहुत मारा लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली। क्या कहा? इस गांव में हम जीकर भी मरने के समान है। पता बाकी कुत्ते कहाँ हैं? तुम लोग इसकी जुबान से सच नहीं उगलवा सके लेकिन इसके लापता होने की खबर इसकी फौज ने अखबार में छपवा दिया है। ए, चलो। अगर तू हमें सच सच बता देगा तो हम छोड़ देंगे। ए, सच बता, कहाँ है और रुद्र प्रताप सिंह बता। वो मेरे दिल में है। जान से क्यों मारा ताऊ? बगल में बच्चा रख कर सारा गांव ढूंढ रहे हो, इसके फौज का पता होते हुए भी इतने दिनों से पता नहीं लगा सके। उसके कॉलर पर एड्रेस देखो। राजेश टेलर, यूसुफ गुड़ा। तुम्हें पता है क्या? क्या तुम जानती हो? मालूम नहीं। ये आदमी रात को ट्रक के नीचे आकर मर गया। इसका नाम क्या है पता नहीं, इसका एड्रेस क्या है पता नहीं। इसे जानने वाला अगर कोई है तो इस लाश को लेकर जाइए। अरे सारे घरों को छान मारो, जिस पे भी शक आए उसे मार डालो। लाश लेने कोई ना कोई तो आएगा। जब इस बीच अगर कोई आदमी आकर इस लाश को लेकर नहीं गया तो मुझे पार्टी के हवाले कर दूंगा। रुक जाओ बेटी, वो लोग लाश को हथियार बनाकर हम सबको मार देना चाहते हैं। सिर्फ रोने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटी। अरे और कितनी देर इस लाश का इंतजार करना पड़ेगा? इसके बीबी बच्चे नहीं है क्या? ये देखो म्युनिसिपैलिटी की वैन भी आ गई है। इसके रिश्तेदार कोई हो तो आगे आइए, नहीं तो इस लाश को ये लोग लेकर चले जाएंगे। अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होगा, इलेक्ट्रिक मशीन में डालकर राख बना देंगे। इसे लेकर जाओ। बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, चुप हो जाओ बेटा। पति के पैरों में गिरकर मैं ठीक से रो भी नहीं सकती। आखिर कैसे अभा की पत्नी हूँ मैं? किसी और की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान करते रहेंगे क्या? सुनो भवानी बहन, थोड़ा जहर ला के दो, मैं और मेरा बेटा जहर पीकर जान दे देंगे। रमा बेटी, वो तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है। उसने मेरे लिए जान नहीं दी, तुम्हारे लिए जान नहीं दी, अपने नायक की खातिर जान दी है। ऐसा नसीब हमारा नहीं है, इसका अफसोस करो। कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कभी ना कभी तेरे पति के हत्यारे भैरव सिंह और उसके भाइयों का सर्वनाश करने के लिए रुद्र प्रताप सिंह आएगा। ये रुद्राक्ष उनके गले में डालूंगा। हेलो राम, मैं उमा हूँ। आई लव यू राम। ये बात तुम्हारे सामने बताने में मुझे शर्म आ रही थी। कहीं अगर मैं बता देती और तुम कहते आई डोंट लव यू, ये सोचकर डर लगता है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती। ओहो, फंक्शन हो या फैशन, आप कमाल करते हैं। तुम बहुत लकी हो यार, फ्री में यूरोप घूमने के साथ साथ प्यार भी पाकर आई हो। आखिर कैसा है लड़का? बहुत अच्छे इंसान है। अंकल को बताया है क्या? वो वैसे भी इंडिया आ रहे हैं, दोनों मिलकर बताएंगे।
तुम्हारे एसपी कहाँ है? आ रहे पिताजी। क्या है बेटा? मुझे लड़की पसंद आई तो मेरी शादी करोगे ऐसा कहा था ना? मिलनी चाहिए ना बेटा। मुझे वो लड़की बहुत बहुत पसंद आई पिताजी। तेरी पसंद कितनी घटिया है बेटा, वो औरत दो बच्चों की माँ है। पिताजी वो औरत नहीं, वो औरत के पीछे जो लड़की है ना, वही वाइट ड्रेस। छोकरी तो पार्लियामेंट के बंगले की तरह खूबसूरत है, दोनों सूर्यकांत। हाँ जी। और वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, पता लगाओ। सर क्या है? वो लड़की मेरी बेटी है सर। क्या आपकी बेटी? हाँ। है तो यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए खुशखबरी दे दीजिए, जाइए। क्यों अंकल, इतना खुश क्यों हो रहे हैं? कुछ भी नहीं बेटे, तेरी प्यारी सहेली उमा अपने पुरुषोत्तम जी को बहुत पसंद आ गई है, बड़े साहब ने रिश्ता भी तय कर लिया है बेटी। लॉटरी में पहला प्राइज पाकर सारा यूरोप घूम कर आने के बाद भी फिर से लॉटरी लगी है, मेरी बेटी सचमुच तकदीर वाली है। सच है अंकल, अब तक मैं भी उसे तकदीर वाली ही समझती थी। बेटा जिसे पसंद नहीं करती उसे कैसे शादी करेगी? पसंद नहीं आए तो चुप रहने के लिए, वो कोई साइंटिस्ट या डेंटिस्ट नहीं है, फैक्ट्रिस्ट है, उसकी बात नहीं माने तो जान से मार देगा। मामूली यो बनकर था मैं, अब इस पोजीशन पे आया हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। उसके पास 250 करोड़ की जायदाद है। क्यों नहीं, 250 केस भी है उसके सर पर। उसका बाप एमपी है। एमपी हुआ तो उसे मुझे क्या बाबा, मुझे चाहिए मुझसे प्यार करने वाला, मैं उसके पास जा रही हूँ। गुड बाय। hey, रुको, कहाँ जा रही हो? रुको बाबा, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे जाने दीजिए, मैं बच्ची नहीं हूँ। कहने जाओगी? ला बैग मुझे दो, छोड़िए मुझे, हटो, जान से मार दो, चलो बच्ची। हेलो माँ जी। हेलो, हमारी यूरोप में खींची गई फोटोज, लंदन में खींची गई फोटोज, और जो जिसमें आप लोग चिपक कर खड़े थे ना, वो फोटो इसके अंदर है, ले लीजिए। और भी कुछ फोटोज है जो स्टूडियो में है, मैं उनको भी लेकर के आता हूँ। ठहरो। अरे बाप रे, नमस्ते सर। वो एल्बम मुझे दो। उसका एल्बम तुझे क्यों चाहिए? चुप रहो। देखने दो ना दादी माँ, चुप रहो। लाओ। लंदन में है, मेरी बेटी से प्यार करता है, उमा के खातिर जरूर आएगा। हाँ। आएगा ना? हाँ। आएगा ना? हाँ। आएगा ना? हाँ। हाँ। जरूर आएगा, तेरी बेटी की खातिर आएगा, मेरे हाथों जरूर मारा जाएगा। बोला अर्जुन को बुला। हाय। डर गए ना? मैं नहीं डरा, आपकी गर्लफ्रेंड डर गई। मुझे कितनी टेंशन है नहीं पता है ना? इस बात की टेंशन उमा? अभी मेरे डैडी मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं। हमारे बारे में नहीं बताया? बताया तो था लेकिन तुम आओ। चलिए बाबू, क्या करें?
चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ जल्दी कूदो अरे अगर नहीं कूदोगे तो तुम्हारे पैर हम लोग तोड़ देंगे जल्दी कूदो बारे में सोचना छोड़ करके पहले स्वीट खाओ यार आपके खातिर घर में स्पेशल स्वीट बनवाया हूँ ये क्या है टिश्यू पेपर जैसे है अरे वो हाथ पोछने के लिए नहीं यार अरे उसका नाम क्या है यार पेपर मिठाई हाँ मजे से खाइए खाओ तेरा दिमाग लंदन में क्या कहा था तूने हैदराबाद आओगे तो चार मीनार निकाल के हाथ में दूंगा इतने दूर से आए हुए मेहमान को सड़ी मिठाइयां खिला रहे हो देखा बेटी यूरोप में जब मैं खाने के लिए बजट की बात करता था तो ये मुझे मारने की बात किया करता था अब हम सब मिल करके इसकी मिठाई करें क्या उमा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो वो लोग आएंगे तो हम सब है ना इसलिए भागने के लिए हाँ तो अभी आऊंगा कहा था ना कृपाकरण कहाँ है कहीं सूट केस में माल भरने की प्लानिंग कर रहा होगा कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग कहाँ थे तुम रुको अभिराम हमारे सामने आप दोनों ये अंगूठियां पहनोगे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी चोरी के नहीं है खरीद कर लाया हूँ शादी तो आप लंदन में करने वाले हो सगाई तो यहाँ कर लो पहनाओ भैया पहनाओ जिसका नाम सुनकर अपना खून खौलने लगता है जिसकी परछाई छूने से बदन में आग लग जाती है ऐसे दुश्मन को जिंदा छोड़कर तुम सभी ने बहुत बड़ी गलती की है उसे क्यों जाने दिया हमारे आदमी लोग शेर हैं। उस बब्बा शेर को देखते ही म्याऊं बिल्ली के बच्चे बन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था आखिर तेरी बेटी लंदन क्यों गई थी मैंने नहीं भेजा था साहब थम्स अप वालों ने लॉटरी निकालकर 10 लोगों को यूरोप भिजवाया था उसके साथ गई थी कौन है वो 10 लोग उमा जिंदगी में पहली बार एक नेक काम के लिए चोरी की है ये लो पासपोर्ट थैंक्स फ्लाइट का टाइम हो रहा जल्दी जाइए ओके मैं चलता बाय बाय भाई हैप्पी न्यू ईयर भाई हैप्पी जर्नी बोल यार अरे यार मुझे अंग्रेजी इतनी ही आती है अभिराम तुम्हें ढूंढते हुए वो सब यहाँ पे आ गए हैं तुम यहाँ से बाहर चलो ए, चलो जल्दी चलो क्या यार तुम यहाँ कैसे अब गाय के ऊपर डालने का समय है दूध देने का नहीं है आए, आए वो। कौन भाई भाई जो लंदन से आया है अबे भाई को गन दिखा सकते गोलियाँ तो मेरे जेब में है बच्चे भाई अभिराम भैया अंदर है कहाँ वहाँ आओ रे मेरे साथ सब लोग आए जल्दी करो हमें एयरपोर्ट जाना होगा नहीं तो वो लोग आ जाएंगे आ, 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 आ,
क्या हुआ? दुश्मन को देखा? कौन है बेटा? देखा तूने? तुम कहाँ जाओगी बहू रानी? आ जाओ। थैंक्स बहन, यहां से जाने के लिए कोई रास्ता है? भैया, अपने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो भैया। अपने लोग? हाँ भैया, चलो भैया। इसलिए दोबारा से तुम्हें यहां भेजा है। अब किसी को कोई दुख नहीं रहेगा। हाँ भैया, हम दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। ये सारे लोग अपने ही हैं भैया। तुम गंगाराम के बेटे नहीं हो, हमारे नायक वीर प्रताप सिंह के रूप में पैदा हुए रुद्र प्रताप सिंह हो। ये रुद्राक्ष आपके गले की शोभा बढ़ाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये किसका रुद्राक्ष है? हमारे भगवान का है, आपके पिताजी का। ठाकुर साहब को गरीबों से बहुत प्यार था बेटा। ठाकुर साहब की बहन का रिश्ता भैरव सिंह के भाई से हुआ। वो लोग गरीबों पर जुल्म ढाते थे। आपके पिताजी मिलजुल कर रहना चाहते थे। वो हमेशा गरीबों के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। आपके पिताजी के कहने पर मैंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। ये बात सुनकर भैरव सिंह का परिवार भड़क उठा। तू यह पंचायत हमारी है। भाई या मेरा भाई या छोटा भाई प्रेसिडेंट बनकर रहेगा। चल भाग यहां से। साले हमारे सामने खड़े हो गए, काट डालूंगा एक एक को। मार दो इसे। मेरे पति से ऐसी क्या गलती हो गई? चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? माफ कर दो सरकार। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे ऐसे। सरकार हम गरीब हैं,
हमें ये भी नहीं पता कि चुनाव लड़ने के लिए आधे की जात की जरूरत होती है, हमें नहीं पता सरकार। साली नहीं चाहा। बुला, जिसको बुलाना है बुला, देखते हैं यार तुझे कौन बचाने आता है। भोजन सिंह चाहने वाली कदम भी आगे बढ़ाया तो जिंदा काट दूंगा। मुझसे लड़ना है तो आगे आ जाओ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस लोगों की तरफदारी करता है। किसी को बड़ा मत कहो, किसी को छोटा मत कहो, सब समान है। वीर सिंह, रिश्तेदारी भूल गए हो क्या? रिश्तेदारी या गिलन से छोड़ दूंगा, समझ रहे हो क्या? अरे बली सिंह, तूने किस जगह लात मारा पता है? ये सिर्फ 9 महीनों से भरा हुआ पेट नहीं है, इंसान के जन्म लेने की पवित्र जगह है। मानव की जान की परवरिश करने वाले का अपार ब्रह्म लोक है। ऐसी पवित्र माँ की कोख का अपमान किया है तुमने। मेरा सामना करोगे तो माफ करूंगा, अगर गरीबों को दुख दिया तो काट डालूंगा। गाय भैंस का गोबर उठाने वाला आदमी चुनाव कैसे लड़ सकता है? क्यों नहीं दलित क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता है? गरीबों के पैसों से ऐशो आराम चाहिए, उनके पसीने से तुम्हें हर सुख चाहिए, उनके वोट से अधिकार चाहिए। लेकिन कमजोर लोग अधिकारों से दूर होने चाहिए। वोट उनके हैं, सीट तुम्हारी है, बस्ती उनकी है, पद तुम्हें कैसे मिलेगा? सभी नेता बन गए तो काम कौन करेगा? वो लोग काम कर करके थक गए, काम करो तब पता चलेगा तुम्हें। लोगों में हमारी कामयाबी देख के तुम जलते हो। अगर लोग स्वयं तुम्हें चाहते हैं काशीराम, तो चुनाव लड़ने से तुम क्यों डर रहे हो? चंदा बहन, ऑफिसर के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म लेकर आओ। अरे बलि सिंह, औरतों पर लात उठाने वाले को उन्हीं के चप्पल से जवाब मिलना चाहिए। ऐसी हरकत करने वाले को सबके सामने सजा मिलेगी। चन्ना बहन, चप्पल से मारो। यह स्वेटर किसके लिए? तेरे भाई के बेटे के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अपने भतीजे के नामकरण के लिए उसके घर जाकर तुम उसके स्वेटर पहनाओगी? हे भगवान, ये क्या किया आपने? क्या हुआ? बुरा लग रहा है? मार डालूंगा तुझे, काट डालूंगा। तुम पागल हो गए हो? अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो? तुम अंदर जाओ बेटी। कल हम वीर प्रताप सिंह के बेटे के नामकरण के लिए जा रहे हैं, जाने की तैयारी करो। माँ, मान जाओ छोटू, अब अगर हम नहीं जाएंगे तो लोगों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और हमारी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। अधिकार अगर पाना हो तो जनता से दूर नहीं होना चाहिए, जनता उसके पास है, इसीलिए उसके पास जाना। हाँ साहब, जाना ही चाहिए, चप्पल से मारने के बाद भी मुस्कुराकर जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। नमस्ते। आइए। नमस्ते। नमस्ते। Thank you.
मुझे लगा अपने भतीजे को देख ही नहीं पाऊंगी। दुनिया में पति पत्नी जुदा हो जाएंगे, लेकिन भाई बहन कभी अलग नहीं हो सकता बहनों। नमस्ते सरकार। आहा, सुनिए, प्रेसिडेंट होने के बाद अपने काशीराम का चेहरा खिल उठा सरकार। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वीर जी, इस बालक का नक्षत्र के अनुसार रुद्र प्रताप सिंह नाम ही सटीक होगा। ये बालक जहाँ भी रहेगा वहाँ बारिश की कमी नहीं होगी, फसल अच्छी होगी। ये बालक तकदीर वाला है, श्री कृष्ण जी की योग में जन्मा है। सुनिए, कृष्णा का जन्म हो चुका है, अब आप कंस मामाओं का तो वीर प्रताप सिंह, 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 वीर प्रताप सिंह। मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी तरह आप सबको पेट भर खाना मिलना चाहिए, गांव में इज्जत से जीना चाहिए, जमीन के लिए तरस रहे आप सभी लोगों को जमीन चाहिए। मेरे दादा परदादा के रियासत से मिली हुई जमीन को जो गरीब के पास जमीन नहीं है उसे दे रहा। आप भी जमीन दान कर दीजिए सरकार। ये जिंदाबाद के नारे हमें भी मिलेंगे। मुझे मानने से कुछ नहीं होगा, जिसे मानना है उसे मारो सरकार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार साहब, नमस्कार सरकार। भाइयों, बैठ जाओ, क्यों सुबह सुबह आ गए हो? कल श्री राम नवमी है, याद है ना सरकार? तो हम क्या करें? भजन? भजन नहीं, बैंड बाजे के साथ आकर वो काशीराम मंदिर में चढ़ावा देने वाला है। देगा तो ले ले। मुझे नहीं, भगवान को। प्रेसिडेंट जो बनेगा वही चढ़ाएगा ना? कैसे चढ़ाएगा सरकार, उसके पास न पढ़ाई है न संस्कार है। क्या है उसकी क्वालिफिकेशन हमारे सामने सर झुकाकर खड़ा होने वाला? नमस्कार सर। आप बैठिए अयोजी। सरकार, आप सबको मेरा नमस्कार। कल तक मुझे मंदिर के पास नहीं आने दिया जाता था, आज मुझे सीताराम का वस्त्र पहनने का मौका मिल रहा है। ये सिर्फ मेरा ही नसीब नहीं, ये मेरे और मेरे कबीले वालों के लिए गर्व की बात है। आप सभी जरूर आइएगा सरकार, जरूर आइएगा। चलिए प्रेसिडेंट जी, बाय बाय। मुझे क्यों मारे सरकार? उसके आते ही तो क्यों खड़ा हुआ? प्रेसिडेंट को देखकर इज्जत तो देना पड़ेगा ना। इसे ही पावर कहते हैं, बिना पावर के लीडर को, बिना प्रैक्टिस के प्लेयर को कोई इज्जत नहीं करता। सच कह रहे हो छोटू, पैसे वाले को कुर्सी का होना जरूरी है। इतने दिनों कुर्सी अपने पास थी इसलिए लोग हमारे पीछे घुमा करते थे। अब भी हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे तो इस गाँव में हम जीकर भी मरने के समान है। कल वो काशी राम मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। वीर प्रताप सिंह, नीच जात वालों को मंदिर में लाकर भगवान को नए वस्त्र पहनाना बुरी बात है। किसने कहा था बुरी बात है? शास्त्र। कौन सा शास्त्र कहता है? पूरे भारत के लोग पंचम वेद मानने वाले महाभारत को लिखने वाला वेद व्यास भ्रष्ट कुल में पैदा हुआ नीच जात का। पुरुषोत्तम राम की रामायण को पूरे भारतवासी पवित्र ग्रंथ मानते, उसे लिखने वाला वाल्मीकि वो भी एक नीच जात का था। भगवद गीता को सारे हिंदू पवित्र मानते हैं, उसी गीता से आए हुए श्री कृष्ण यादव थे, वो भी पिछले वर्ग के थे। ये पिछड़े जात का आदमी नहीं है वीर सिंह जी, पांचवी कुल का है, दलित है। पंडित जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? शातुर्वर्णम मया शृष्णयम कहा था। भगवान की सूरत से ब्राह्मण जन्म लिया, कंधों से क्षत्रिय ने जन्म लिया, जांघ में से वैश्य ने जन्म लिया, पैरों में से क्षुद्र ने जन्म लिया। मैंने सिर्फ चार ही जात बनाए ये कहा था उन्होंने, फिर ये दलित कहां से आए? किसने जन्म दिया इन्हें? शूद्रों की तादाद बहुत बढ़ रही है सोचकर कुछ बड़े लोगों ने उन लोगों में झगड़ा करवा के सबको अलग अलग जातों में बांट दिया। चप्पल की सिलाई करने वालों की एक जात, हल चलाने वालों की एक जात, पत्थर फोड़ने वालों की एक जात, बकरी चराने वालों की एक जात, पकवान बनाने वाले, साड़ी बेचने वाले, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 3000 जात पैदा किए गए हैं। जात जात के बीच दुश्मनी की आग लगा दी गई। अगर दोबारा कोई इन्हें पिछड़े जात का कहा तो सीधे यमराज के पास भिजवाऊंगा। पंडित जी, आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत करो। क्षमा करें, मैं मंत्र नहीं पढ़ सकता। हे
वीर प्रताप सिंह जी, ये लड़का नीच जाति का शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारा जायते शूजः। जन्म लेने वाला हर एक आदमी शूद्र होते हैं, अपने अपने संस्कार से महापुरुष बनते हैं। वेद पुराण जानने वाला ज्ञानी होता है और ब्रह्म पुराण जानने वाला ब्राह्मण होता है। इसलिए इस वेद पुराण जानने वाले सहदेव को अधिकार है। सहदेव मंत्र पढ़ो। ओम सहस्रतीर्षा पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपाद, भूमिं विश्वतो वृत्वा आत्यतिष्ठ दशांगुलम्। पुरुष एवेद सर्वम् अद्भुतम् यस्य भव्यम्, उपामृतस्य तेत्यानः यदेन्नानातिरोहति, एतावानस्य महिमा। अतो जायन्त्य पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य। जात के नाम पे जुल्म करके मंदिर के सामने सहदेव की जुबान काट लिया, इसलिए भैरव सिंह के परिवार में कोई भी आदमी और औरत काम नहीं करेंगे। ये वीर प्रताप सिंह जी का फैसला है। ये संदेश सुनने के बाद गांव का कोई भी बासिंदा भैरव सिंह की चौखट पर नहीं जाना चाहिए। इस फैसले के विरुद्ध जो कोई जाएगा वो 30 दिन तक गाँव से निकाल दिया जाएगा, या तो 30 कोड़े मार कर उसे सजा मिलेगी। ये फैसला अगले वर्ष की रामनवमी तक अमल में रहेगा। होशियार। दूध तो कुछ देती नहीं है। तो रोटी खिलाकर नौकरों से काम कराते थे, अब खुद नौकर बनकर काम करो। जिंदगी बेकार हो गई है। उठाइए गोबर उठाइए। अरे रे 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 रे, आपको तो पसीना आ रहा है सरकार। आपकी ऐसी हालत देखकर मेरे आंखों से गोबर का पानी छिची छिची छिची, मेरी आंखों से आंसू नदी बनकर बह रही है। मजा आ रहा है ना सरकार। मैं क्या करूं सरकार, मदद करूंगा तो 30 कोड़े की मार और 30 दिन गांव से बाहर रहना होगा। जिसे दूध निकालने नहीं आता उसे भैंस की क्या जरूरत है, और जिसे हल चलाने नहीं आता उसे जमीन की क्या जरूरत है। बिना कारण गोबर खराब कर दिया, खेत में डालता तो फसल अच्छी उगती थी, फ्रेश है। चिल्ला और जोर से चिल्ला, मरने तक चिल्ला। फैसला सुनाए ना तेरे भाई ने, इस घर में कोई नहीं आएगा, दाई भी नहीं आएगी। चिल्ला, तेरे भाई के कानों तक की आवाज पहुंचे, इतनी जोर से चिल्ला। सुनिए, सोचा था मेरी बहन का पहला संतान मेरे घर में होगा और सारी खुशियां मेरे घर में होगी। बहन से बात करने का मौका ही नहीं दिया उस भगवान ने। इसमें आपकी क्या गलती थी? इसलिए सजा उनको मिली है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। दुखी मत होइए। नहीं लाजवंती, बच्चे को जन्म देने के लिए जैसे माँ को दर्द झेलना पड़ता है, इंसाफ को बचाने के लिए ऐसे दुख हमें झेलने ही पड़ेंगे। क्या हुआ? बच्चा गले में अतड़ी पहन कर आया। तो जाएगा क्या? जाएगा नहीं भाई, भिजवाएगा। कंस को मारने वाला कृष्ण उस घर में नहीं, इस घर में जन्म लिया है दुर्जन सिंह। हमारे सपने इतने दिनों बाद सच होने वाले हैं। अतड़ी गले में पहन कर आने वाला अपने सगे मामा के मौत का कारण बनेगा। वो अपने घर जरूर आएगा, अपने भांजे से मिलने जरूर आएगा। अरे
रिवाज कुछ भी कहे, वीर उस चौकट पर कदम नहीं रखेगा लाजवंती। शास्त्री जी ने कहा इनका बुरा वक्त आने वाला है। अब और क्या बुरा वक्त आने वाला है, उसके घर वाले हमेशा वीर की बुराई चाहते हैं ना। अगर ये नहीं गए तो लोग सोचेंगे कि अपने फैसले से डरकर वहाँ पर नहीं गए हैं। मौके का इंतजार करने वाले लोग वीर को जिंदा छोड़ देंगे क्या? बहना महेश्वरी, वापस क्यों जा रही हो बहन? भैया तुम हमेशा खुश रहो भैया। तुम्हारे घर आऊंगा तो मर जाऊंगा सोच रही हूँ। मैंने कौन से जन्म में कौन सा पाप किया है पता नहीं, जो भगवान मुझे इसकी सजा दे रहा है। भगवान जैसे मेरे भैया को बुरा करने वाले बच्चे की माँ बनाया है मुझे। अगर आपको कुछ जान का खतरा हुआ तो डरो मत बहना, मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारी नजर ही काफी है। तुम सिर्फ मेरी बहन ही नहीं हो, बहन के रूप में मां भी हो। आऊंगा बहन, तेरी खातिर आऊंगा। भैया, भैया। कितने दिनों बाद दिया जला रहे हो भैया? उसका दिया बुझने वाला है बलवान, इसलिए मैंने यहां दिया जला दिया है। रुको, तुम बाहर से आए हो इसलिए पैर धो के अंदर जाओ। नमस्ते। चंदा मामा जैसे तेरे भांजे की सूरत को तेल में देख लो वीर सिंह, पहली बार और आखिरी बार। वही बार बार हमारे चौखट पर आओगे नहीं, अपने भांजे को देखोगे नहीं। तुम्हारी आंखों में ये खुशी देखने के लिए ही आया था, अब मैं चलता हूँ। भैया खाली पेट ही जा रहे हो, कम से कम पानी तो पीकर जाओ भैया। ये क्या बेटी, खाना खाकर जाओ कहे बिना सिर्फ पानी पीकर जाओ कह रही हो? वीर सिंह खाने के समय आने वाले को खिलाकर ही भेजना चाहिए। आजा खाकर चले जाना। बहुत समय हो गया, मैं चलता। चले जाना भैया, बहुत जल्द चले जाना। अपने भैया की पसंद का खाना बनाया है ना, तो तुम खुद ही अपने हाथों से खिलाओ भाभी। चलो खिलाओ। बर्तन घिसने से हाथ छिल गए। तेरे भाई के फैसले की वजह से हमें झूठे बर्तन धोने की नौबत आ गई है, अब तो खुश हो? ये क्या दीदी, जो दाल मेहमान को खिलाई
वो दाल घर के तो किसी भी सदस्य ने नहीं खाई। ये भी तू ही खा, ये ले। अरे दाल खाने से कुत्ते को क्या हो गया? वीर सिंह को जहर खिलाने की बात तेरी पत्नी को पता चल गई बेटा, भाई को बताने के लिए दौड़ कर जा रही है। उसे बात पता चल गया तो अपने परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमारे वंश को सर्वनाश कर देगा। ए, गाली निकालने को कहो। ये संदेश सुनने के बाद गांव का कोई भी बासिंदा भैरव सिंह की चौखट पर नहीं जाना चाहिए। इस फैसले के विरुद्ध जो कोई जाएगा वो 30 दिन तक गांव से निकाल दिया जाएगा, या तो 30 कोड़े मारकर उसे सजा मिलेगी। मारो। चप्पल छीने वाले इन हाथों से अधिकार दिलाने वाले महात्मा को मैं नहीं मार सकता। मुझे सजा नहीं दोगे तो इस गांव का हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मारो। आपने जो खाना खाया उसमें जहर मिला हुआ था भैया। किसी को मत छोड़ो, सबको खत्म कर दो। वीर सिंह के शरीर में अब जहर फैला हुआ है, इसे खत्म करने के लिए यही सही समय है। उसके साथ उसके सारे खानदान को खत्म कर दो। जाओ। काशी,
मेरा इंतजार मत करो, चले जाओ। नहीं भैया, मेरे संतान को लेकर चले जाओ, चले जाओ। बहना, बहना, मेरी वजह से आपको बहुत दुख मिला, मुझे माफ कर देना भैया। प्रताप को लेकर गांव छोड़कर चले जाओ, चले जाओ। अब जाके मेरा कलेजा बहुत ठंडा हुआ है। वाला है इसलिए बचकर निकला है, कभी ना कभी गरीबों के झोपड़ों में दिया जलाने के लिए, तुम जैसे राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए, मेरे सपने सच करने के लिए जरूर आएगा। मेरा रुद्र प्रताप सिंह आएगा, आएगा, आएगा। भैया, इतने दिन लड़की होने के बावजूद मैं ही इस क्रिया को करती आई हूँ। आज ये क्रिया आपके हाथों से होगी तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। पहन लो। आपके पिताजी के गुजर जाने के बाद गांव के गरीब लोगों पर मारपीट अत्याचार शुरू कर दिया।
भैया अपने देश में बियर और शराब को पीना गलत कहते हैं, लेकिन मैंने जर्मनी में देखा है लोग सुबह के नाश्ते में बच्चे को बियर पिलाते हैं। क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, समझे? क्यों बेटा, पानी की जगह शराब पीना शुरू कर दिया? खाने के समय शराब पीने का मजा कुछ और होता है ताऊ। खाना खाने का मन कैसे होता है, शराब पीने का मन कैसे होता है तुम लोगों का? दुश्मन भाग निकला है, उसका पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे तुम लोग? सारा शहर छान मारा भैया, मैंने तो उसे मुसी नदी में भी ढूंढवाया था, वो कहीं नहीं मिला। वो हमसे डर कर वापस लंदन भाग गया होगा भैया। वो बिल्ली का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा है। अब तक उसका श्रीराम से मिल चुका होगा, सच्चाई जान चुका होगा और हमें मारने की तैयारी कर रहा होगा। उस रुद्र सिंह या उसकी लाश मिलने तक इस घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा, पानी तक नहीं पिएगा। छिपे हुए शेर को बाहर कैसे निकालोगे पापा? तेरी शादी के जरिए निकालूंगा बेटा। तुम उधर जाओ। हाँ रखो। अरे इधर आ। आपने मुझे बुलाया सरकार? अरे कहने की बात सुनकर मेरी निकली जा रही है, मैं जरा हल्का होके आता हूँ। अरे पागल मत बनो, पेशाब करने जाओगे दुल्हन भाग जाएगी, चुप से बैठे रहो। अरे हाँ बोलो जल्दी, मेरी टाकी भर के पटने वाली है। वैसे भी कन्यादान करते समय पैर धोते हैं ना, मैं कर देता हूँ, बोलो पानी समझे। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चुप से बैठे रहो। सूर्यकांत जी की पत्नी नहीं है इसलिए वो पैर नहीं धोएंगे, रोकने की कोशिश करो। मैं कैसे रोकूं यार? दबा के रखो। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। वो मर्द है बेटी, जरूर आएगा। मेरे आदमी को मारता, तेरी इतनी मत, तेरे बाप का। हाँ उस बाप का बेटा हूँ इसलिए आया हूँ, उनका खून बिजली की तरह दौड़ रहा है मेरे रगों में। हाँ। इतने लोगों को मारने वाला मैं, तुम चारों को जिंदा जमीन में गाड़ने में मुझे कितना टाइम लगेगा? हा? लेकिन क्यों नहीं मार रहा हूँ जानते हो? मेरे बाप के खातिर, मेरे बाप के सपनों के खातिर, मेरे बाप की आशाओं के खातिर। तुम्हारे दहशत से यहाँ से भागे हुए सारे गरीब लोग कल सूर्योदय के साथ उस सूरज की किरणों के तरह घर घर में, गली गली में, पेड़ के पास, कुएं के पास, तालाब के पास, मंदिर के पास सीना तान के खड़े रहेंगे, ये जान लो अच्छी तरह से। जिस घर को तूने शमशान बना दिया, जिस मंदिर में भगवान के सामने दिए नहीं चल रहे, उस वीर प्रताप सिंह का घर फिर से रोशनी से जगमगा उठेगा, तुम देखते रहना। दुल्हे राजा, अगर उमा से शादी करने की जिद की ना, तो इस बार उमा हाथ में नारियल लेकर नहीं आएगी, तेरा सर लेकर आएगी।
मारोगे क्या, गोली चलाओगे क्या, मेरा दिल छन्नी करोगे क्या, खून टपकाओगे क्या? कमॉन कमॉन मैन, बॉर्न इन फायर, तुम में हिम्मत नहीं है, चलो मारो मारो मुझे जल्दी। शहीद हुए मेरे बाप की कसम, मुझे जन्म देने वाली मां की कसम, खून की आंसू होने वाले गरीबों की कसम, तुम सबको खत्म ना किया तो मैं वीर प्रताप सिंह का बेटा नहीं। उमा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में असली शेर कभी नहीं देखा था, लेकिन आज देख रहा हूँ। ना मिट्टी में मिला दिया ना डरपोक कहीं का। रोना बंद कर, वो रुद्र प्रताप सिंह कहीं आकर इसको मार न डाले इसलिए डर रहा है पापा। वो आपको नहीं छोड़ने वाला है सरकार, रुद्र प्रताप सिंह पहले के सारे रिश्ते नाते भूलकर आपके साथ सब खत्म कर देगा। ए, सपना देख रहा है क्या? सपना नहीं सरकार, आपके कब्जा किए हुए सारे खेत, घर की सारी जमीन गरीबों को दे दिया है, सबने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। क्या कहा? आपके जुल्म के डर से उस दिन भागे हुए सारे गरीब किसान बसों में बैठकर अपने गांव लौट रहे हैं सरकार। आकर क्या करेंगे? आकर और क्या करेंगे सरकार, राम के पीछे वानर सेना की तरह रावण जैसे आपका अंत कर देंगे सोचकर डर लग रहा है। मुझे मार के क्या फायदा सरकार, आने वाले उन बसों को रोकिए। अरे काशी भैया कैसे हो आप? ये क्या कर रही हो? कितने सालों बाद मिले। अरे बाबा बेटी भवानी, बेटी भवानी, अरे बाबा बस बाबा बेटी भवानी भवानी। रुको पापा, इसे मत मारो, मैं शादी करूंगा। क्या बक रहा है? पत्नी बनाकर नहीं, काम वाली बनाकर रखूंगा, इससे गोबर उठाऊंगा, संडा साफ कराऊंगा, हर नीचे काम करवाऊंगा, वीर प्रताप सिंह की बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे शाबाश, कर ले शादी। चल अंदर। ए, अगर मुझे हाथ लगाया तो जान ले लूंगी। ले लो भवानी, गुस्से को ठंडा मत करो, बदला ले लो। मैंने तुमसे अपने खाते शादी नहीं की, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए। एक दिन इस बदनसीब भांजे को देखने आए तुम्हारे पिताजी को मेरे घर वालों ने जहर देकर मार दिया। अब मैं तुम्हें बचाकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैंने तुमसे शादी की, मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम जा सकती हो। मुझे पसंद हो, आ जा। पापा, मेरे खानदान का नाम तूने मिट्टी में मिला दिया, इसलिए तो मैं पहले मेरी बुआ का सहारा लेकर मेरे पिताजी को मार दिया, आज मेरी बहन का सहारा ले रहे हो। कैसा वंश है तेरा, कैसा गुस्सा है तेरा? तू मर्द है क्या? मर्द की औलाद है तो मुझसे लड़कर देख, तब तेरे इस कमीनेपन को खत्म करके रहूंगा। बहना, इसे लेकर जा। Thank you.
मेरी माँ अभी तक जिंदा है। मेरे बेटे को छोड़ दोगे तू? तेरी माँ का पता बता दूंगी। तेरे पिता के साथ तेरी माँ भी मर जाती, लेकिन उस दिन एक भी आदमी तेरी माँ की मदद के लिए नहीं आया। वो अकेली बेसहारों की तरह लाश को खींचती रही। बड़े भैया, रामू काका। हाँ भैया, गरीबों की मदद करने वाला ये आदमी दुश्मनों के हाथों से मारा गया है। मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। आओ भैया, आकर मदद करो। तेरे पति को हिंदू धर्म के हिसाब से जला देंगे तो फिर से जन्म लेगा, और दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए। जन्म लेगा तो इन गरीबों का सहारा बनकर हम जैसों का जीन हराम कर देगा। इसकी लाश का क्या होगा यही सोच रही है ना? ये खाने के काम आएगा उनके। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, क्रिया कर्म होने दीजिए, क्रिया कर्म होने दीजिए। मेरे बात मानिए, तो फिर तुम अकेली ही एक एक लकड़ी तोड़कर तेरे पति का क्रियाक्रम कर। जा, जा। अपनों से बिछड़कर तेरी माँ गांव वालों को मुंह नहीं दिखा सकी, इसीलिए माता जी के मंदिर में प्रसाद खाकर जी रही है। तुम सब मुझे आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो? तुम्हारी माँ ने शत्रुओं की मदद क्यों की ये सोच रहे हो? माँ जिंदा है ये पता चलते ही आगे पीछे सोचे बिना अकेला दौड़ता हुआ चला गया वो। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मारना चाहता था, उसकी माँ की आंखों के सामने उसका सर काट कर लेकर आओ। उसकी जान लेने वाला ही मेरा असली बेटा होगा। रुद्र प्रताप सिंह,
कितने सालों से मैं क्यों जिंदा हूं मुझे पता नहीं था। यहीं पर मेरे पति रेत में दफन हो गए। उनकी याद में कितने सालों से आंसू बहा रही हूँ। अब पता चला उस भगवान ने मेरे बेटे को देखने के लिए मुझे जिंदा रखा। पिताजी की मौत को देखने वाले तेरी आंख उन कमीनों को भी मरते हुए देखना है, इसीलिए माता ने मुझे बुलाया है। माँ मरने के बाद यही दफन हुआ था, इसको भी इसी रेत में जिंदा ही दफन कर दो। चलो Thank you.
तूने ही ना मेरे बाप के खाने में जहर मिलाया था। हाथों से मेरे बाप का खून किया था ना तूने? चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज मेरे स्वर्गवासी पिताजी तक जाना चाहिए। चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारी मौत से इस गांव की बला हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चिल्लाओ। उस दिन मेरे बाप की लाश को दिखाकर चील कौवे को उकसाया था ना, अब वो चील कौवे भूखे हैं। चलो मर जाओ, मर जाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम तीनों भाई पापी हैं। गरीबों को पद देना चाहिए। मंदिर में चले जा सकते हैं, उनकी जमीन पर वो राज कर सकते हैं। रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह। Four, three, two, one, five, four, three, three.